ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर पे नजर डालते हैं। नए डीजीपी के लिए यूपीएससी को भेजा पैनल। 30 जून को रिटायर हो रहे हैं डीजीपी कपिल गर्ग। पैनल में 10 आईपीएस के नाम शामिल हैं, आलोक त्रिपाठी, एनआरके वेडी, ओपी गहलोत्रा, राजीव दासोत, बीएल सोनी, एमएल लाठर, भूपेंद्र यादव के नाम शामिल हैं। तो ये नाम है जिनको लेकर चर्चा चल रही है, क्योंकि कपिल गर्ग रिटायर्ड हो रहे हैं। तो नाम डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1960 में और मूल निवासी वाराणसी के। वर्तमान पद है इनका डीजी एसीबी में। जो दूसरा नाम है उस पे भी हम फोकस करते हैं। आलोक त्रिपाठी के पूरे प्रोफाइल से हमने आपको वाकिफ करवाया। अब डॉक्टर भूपेंद्र सिंह की बात करते हैं। 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2 सितंबर 1959 में उनका जन्म और हरियाणा के रहने वाले हैं प्रॉपर। वर्तमान पोस्ट जो है उनका, पद जो है वो डीजी का है, एटीएस एसओजी। तो कपिल गर्ग रिटायर हो रहे हैं और यही वजह है कि कुछ नाम है जिनको लेकर मंथन। एनआरके वेडी तीसरा नाम जिसको लेकर चर्चा चल रही है। 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1960 में 21 मई को इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं और फिलहाल महानिदेशक हैं जेल के। इनके पूरे प्रोफाइल के बारे में हमने आपको बताया। अब ओम प्रकाश गहलोत्रा पे हम फोकस करते हैं। 1985 बैच के आईपीएस ऑफिसर, 15 अक्टूबर 1959 में इनका जन्म और ये भी हरियाणा के रहने वाले हैं। वर्तमान पोस्ट जो है इनका वो महानिदेशक होमगार्ड के। तो इनके प्रोफाइल को लेकर भी चर्चा चल रही है, लेकिन कौन होगा अगला डीजीपी, ये सवाल सबके जहन में। राजीव कुमार दासोत की बात करते हैं। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 2 जून 1961 में इनका जन्म हुआ था। मूल निवास टोंक यानी राजस्थान के ही रहने वाले हैं और वर्तमान पोस्ट है इनका महानिदेशक प्रशिक्षण। अब बीएल सोनी पे हम फोकस करते हैं। ये 1988 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। 1 जनवरी 1963 को इनका जन्म हुआ। जोधपुर के रहने वाले हैं यानी कि भी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं और फिलहाल इनका मौजूदा वक्त में जो पद है वो है एडीजी क्राइम ब्रांच। तो दो इसमें जो नाम है अभी तक वो राजस्थान के ही रहने वाले, एक जोधपुर और एक टोंक के रहने वाले। किस नाम पे सहमति बनती है ये महत्वपूर्ण है। एमएल लाठर के प्रोफाइल के बारे में हम आपको बताते हैं। 1987 बैच के आईपीएस हैं और 10 मई 1961 में इनका जन्म हुआ। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। हरियाणा के एक और ऑफिसर से हमने आपको वाकिफ कराया था और फिलहाल मौजूदा वक्त में इनका जो पद है वो महानिदेशक का है, प्रशासन एवं कानून व्यवस्था। फिलहाल ऋतुराज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी ऋतुराज, और अहम जानकारी इससे रिलेटेड। मौजूदा परिप्रेक्ष्य है उसमें जो मानक है डीजीपी के चयन के, उसमें आलोक त्रिपाठी सबसे सुटेबल पर्सन माने जा रहे हैं और उनके साथ ही जो भूपेंद्र सिंह हैं उनका नाम चल रहा है। लेकिन भूपेंद्र के लिए ये बात कही जा रही है कि उनका रिटायरमेंट दिसंबर के आसपास है, तो ऐसे में क्या वे 6 महीने नहीं डीजीपी रहेंगे। हालांकि ऐसी भी चीजें देखी जाती हैं कि जो शीर्ष पद हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी के शीर्ष पद पर 6 महीने रहे थे, सीएस रहे थे, तो ऐसे में डीजीपी भी 6 महीने रह सकते हैं और बाद में फिर चयन किया जा सकता है। बहरहाल ये जो नाम है इनको लेकर भी अब एक और सूत्रों ने ये भी खुलासा किया है कि अभी फिलहाल 8 नाम भेजे गए हैं, ये पूरे 10 नाम नहीं भेजे गए। इसका कारण ये भी है कि बीएल सोनी जो है वो अभी एडीजी रैंक के हैं और इस कैडर के अभी, क्योंकि इस रैंक के अभी नहीं है, इसलिए वे उनके नाम पर विचार नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं। लेकिन वेस्ट इंडिया ने सबसे पहले ये आपको नाम बताए
और पूरे। अच्छा ऋतुराज, क्या पैमाना रखा गया है, क्या क्राइटेरिया है, मतलब क्योंकि कॉमन प्रोफाइल इन सबका हम देख रहे हैं, जो हमने डिटेल्स अपने दर्शकों तक पहुंचाई उसमें बहुत सारी बातें कॉमन है। देखिए पैमाना निश्चित रूप से जो राज्य सरकार का रहता है और जो यूपीएससी का रहता है उसमें कहीं ना कहीं अलग देखने को मिल सकता है, अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य सरकार हमेशा से ये प्रक्रिया चूंकि पहली बार आजमाई जा रही है यूपीएससी में, ऐसे में ये पहला एक्सपीरियंस होगा और क्या प्रक्रिया रहती है, क्या किस तरह से ये चयन होता है, क्योंकि हमेशा जब भी कोई इस तरह का पैनल भेजा जाता है उनमें से एक नाम को टिक किया जाता है, हालांकि वो राज्य सरकार को बताया तो जाता है लेकिन वो किस रूप में सहमति राज्य सरकार की होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन सीनियरिटी आफ्टर ऑल काउंट होती है इसमें और SCR सीनियरिटी के लिहाज से ही मैं पूछ रही थी, क्योंकि जब हम इनके प्रोफाइल को देख रहे हैं तो बहुत सारी बातें सबके प्रोफाइल में कॉमन दिख रही है, इस लिहाज से मेरा ये सवाल था कि इन सबको एक नाम चुनने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। देखो ये यही बात मैं कह रहा हूँ कि यूपीएससी पहली बार ये प्रक्रिया आजमा रही है और ऐसे में ये किस तरह से वो लेती है इन सब चीजों को, क्योंकि एक ही जो रैंक है उनके ये दिग्गज जो IPS हैं वो हैं, और ऐसे में राज्य सरकार की हमेशा से ये है सहमति रही आई है और अक्सर यही देखने को मिलता है कि राज्य सरकार जिस पर विचार करती है, जिस पर सबसे ज्यादा जोर देती है उसी के नाम पर सहमति हो जाती है, और ऐसे में राज्य सरकार का आपने जिक्र किया तो यहाँ पे दो नाम ऐसे हैं जो कि राजस्थान से, एक जोधपुर से एक टोंक से, क्या ये भी उनके प्रोफाइल के लिए काम कर सकता है? बिल्कुल, ये अगर राज्य सरकार चयन करती जैसे कि अभी तक होता है IDG की तरह है तो निश्चित तौर पर यह भी एक जो विशिष्टता है वो देखी जाती और ये हाथों हाथ ही चयन कर दिया जाता, लेकिन अब क्योंकि यूपीएससी का कहना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में पहली बार सरकार ये आजमा रही है, तो ऐसे में ये क्या क्या चीजें देखकर किस रूप में करती है, क्योंकि वहाँ पूरा गोपनीय पैनल रहता है जो भी चयन किया जाता है, जो चयन समिति होती है पूरी तरह से गोपनीयता बरती जाती है, यहाँ तक कि उनके सदस्यों के और अध्यक्ष के नाम भी डिस्क्लोज नहीं। अच्छा ऋतुराज, चूंकि ये अंदर खाने की खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग सोर्सेज हैं इस बीच के, उनके हिसाब से क्या कुछ अभी तक लग रहा है? देखिए सबसे बड़ा नाम यही उभर कर सामने आ रहा है, आलोक त्रिपाठी DGP बन सकते हैं, क्योंकि इनके जो है तो सच छवि है और निश्चित रूप से सीनियर है, और चूंकि OP गल्होत्रा या आने की बात करें तो भी OP गल्होत्रा को हटाकर ही ये DGP बनाए गए थे जो कपिल गर्ग, तो ऐसे में उनका नाम तो अपने आप ही दरकिनार हो जाता है, लेकिन ये आलोक त्रिपाठी का नाम सबसे ऊपर माना जा सकता है और भूपेंद्र का भी नाम सबसे। ऋतुराज फिलहाल शुक्रिया, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए जरूर कहेंगे कि यकीन मानिए ये पुख्ता खबर सबसे पहले हम ही आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि अभी जो मंथन चल रहा है, जिन नामों पे सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है, जो कवायद चल रही है उसके बारे में भी हमने स्ट्रॉन्ग सोर्सेज के जरिए आप तक पहले खबर पहुंचाई।